हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश कुंभर और आप देख रहे हैं एक टेक्निकल फैक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस पर हिट मारना और बेल आइकन आएंगे उस पर प्रेस कर देना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पिटिशन में किस तरह से लास्ट रिप्रेजेंट करते हैं। आपका 2-3 महीने पहले ही सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में रिवाइज करना, साथ में याद करते हुए रह चलना तो बनता है। और ऊपर से आपका आपके टेस्ट भी होते हैं, तो उसमें भी आप सब थ्योरी से याद करके जाइएगा और सारे क्वेश्चन भी लगा के, जो आपको टेबल सीट मिलती है कोचिंग से, उसके सारे क्वेश्चन लगा के आप टेस्ट देने जाते हो भी कोचिंग। 100% बच्चे ऐसा ही करते होंगे, नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन लास्ट के टाइम में मैं बस यही कहूँगा, यही राय होगी मेरी कि आप अपनी थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान ना दें। हाँ दोस्तों, आप अपनी थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान ना दें। और 3 महीने तक, मतलब एग्जाम से पहले 3 महीने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं, जो पहले के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लगा डाले 3 महीने तक करते, एक ही एक क्वेश्चन लगा होना चाहिए, आप पता होना चाहिए कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। 100% गारंटी ले रहा हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने जो गलती करी है मैं वो आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद IIT की प्रिपरेशन में, कोचिंग में भी मेरे नंबर अच्छे आते रहते थे, लेकिन फिर भी IIT नहीं निकली। मेरे IIT मेंस में नंबर की बात करूँ तो मेरे जो इंटर के साथ दिए थे पेपर, इंटर के साथ दिया था पेपर, उसमें थे 63, और जो मेंस तो इंटर के एक बार, एक साल बाद कोचिंग करके दिया, उसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं आया, 70 नंबर आए। आप ही सोचिए, उस इससे तो अच्छे 63 थे वो इंटर के साथ दिए थे जबकि। तो मैंने क्या गलती करी थी, मैं थ्योरी सारी रट कर रहा था, और मुझसे कहा गया था कि इतना टफ नहीं आता पेपर IIT का, लेकिन मैं मानता हूँ इतना टफ मेंस का नहीं बोले मेंस का इतना टफ नहीं आता, तो मानता हूँ मेंस का इतना टफ नहीं आता, लेकिन मेंस का ज़्यादा सरल भी नहीं आता। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और NCERT लगाओ तो मेंस निकल जाएगी, और कंपटीशन की बात करें तो उसमें भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। मैं बस यही सलाह दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 3 महीने तक जरूर लगाइएगा, वो भी एग्जाम से लगातार 3 महीने पहले तक। और उससे अगर थ्योरी आपको याद नहीं है तो आप 3 महीने पहले से ही आप अपनी पूरी थ्योरी तैयार कर लो। बस थैंक यू, विश यू वेल और बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने जब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहे पहले अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.